भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के वलसाड़ जिला में और बता दूं आपको कि यहां पर राबड़ा गांव है और राबड़ा गांव में बहुत बड़ा एक विशंभरी धाम बनाया गया है जिसे तीर्थ स्थल भी कहा गया है और विशंभरी धाम में मैं पहुँच चुका हूँ। सबसे बड़ी बात बता दें कि एक साल पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग विशंभरी धाम का, जिस समय में मतलब बहुत अच्छे से इसका निर्माण भी नहीं हुआ था। मंदिर का निर्माण तो हो गया था लेकिन आसपास में निर्माण नहीं हुआ था और एक साल के बाद कुछ ना कुछ जो निगेटिव लोग हैं जो निगेटिव फैलाना चाहते हैं मंदिर के लिए, उन्होंने ये उनका एक मैसेज आने लगा कि मंदिर के जो प्रशासन है वो ठगने का काम कर रही है, जो मंदिर के लोग हैं वो ठगने का काम रहे हैं। पहले यहाँ पर कार पार्किंग नहीं थी, वो कार पार्किंग की सुविधा दी गई है लेकिन उसका पैसा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी एक बात बता दें कि मंदिर प्रशासन से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि कौन सा ऐसा आदमी है जो निगेटिव फैलाना चाहता है या वो कौन है, मतलब उनको सामने आना चाहिए, उनसे क्या ठगा गया है मंदिर के अंदर में, क्या मतलब मंदिर के अंदर में क्या ऐसा चीज़ है जो लोगों को ठग रहा है। यहाँ पर ना चुनरी मिलता है, ना सिंदूर मिलता है, ना प्रसाद का कोई आइटम मिलता है और सिर्फ नाश्ते और खाने के लिए यहाँ पर एक होटल बनाया गया है जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मंदिर प्रशासन के द्वारा, जिससे सस्ते दर पर लोगों को खाना खिलाना है। और आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि मंदिर के प्रशासन का इंटरव्यू जानेंगे। और सबसे बड़ी एक बात बता दें कि जो महापात्र हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्म का नाम, धर्म के बारे में वो बोलेंगे और धर्म फैलाएंगे इस दुनिया में। ये विशंभरी धाम मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जरा कैमरामैन को कहूँगा जरा आगे अच्छे से दिखाएं, देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि बड़े स्तर पर निर्माण किया गया है, एक बड़ा क्षेत्रफल है मंदिर का जिसमें लगभग हजारों लोग कह सकते हैं, एक दिन में हजारों लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि पूरे गुजरात से ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, चाहे बगल में दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, दूर दूर से लोग आते हैं। जब से इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चला, एक बड़ा बात यह है कि मंदिर का जो ये स्थान बनाया गया है वो बीचों बीच बगीचों के बीच में बनाया गया है, जिसे लगभग अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी भी हो तो गर्मी का अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमेशा यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है और बगीचों के बीच ये मंदिर का निर्माण किया गया है। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं गुजरात के वलसाड़ जिले से। जब यहाँ पर मंदिर पर आप आएंगे तो एक बात बता दें कि लगभग 1 बजे से 2:30 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। दिन की बात करें अगर तो दिन में 1.5 घंटा लगभग बंद रहता है और 1.5 घंटे के बाद 2:30 बजे जब ये मंदिर खुलता है तो यहाँ पर लोगों की लाइन लग जाती है। ये खासकर आपको बता दें कि ये चारों तरफ आप जो साफ़ सफाई का जो ये देखेंगे आप इस मंदिर में अंदर, ये बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित रहेंगे आप क्योंकि इतने साफ़ सफाई, मतलब बहुत कम ऐसे मंदिर दिखते हैं जहाँ पर इतने साफ सफाई रहते हैं। क्योंकि ये जो मंदिर का सबसे बड़ी बात बता दें कि निर्माण जो किया गया है वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है, हाईटेक है। जगह जगह पे लाइटिंग है, कैमरा है, लोग यहाँ पर आते हैं मतलब अच्छे अनुभव लेके जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पहले इस तरह का लाइन नहीं लगता था और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था जो की गई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये व्यवस्था लोगों के लाइन की है। जब ज़्यादा भीड़ है, अगर ज़्यादा भीड़ होता है तो यहाँ पर आप लाइन लगेंगे, लाइन में लगकर फिर आप दर्शन के लिए जाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बड़े स्तर पर ये निर्माण किया गया है और आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था कि जो महापात्र जी हैं उन्हें माँ दर्शन दी थी, उनका परीक्षा हुआ था ऐसा बताया गया है मंदिर प्रशासन के द्वारा उनका मतलब उन्हें माँ दर्शन दी थी और एक ऐसा गाड़ी था उसके ऊपर माँ बैठती हैं, उनको दर्शन देती हैं, इस तरह का यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो पत्थर देख सकते हैं, जो मार्बल का यहाँ पर उपयोग किया गया है, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से और उच्चतम क्वालिटी का यहाँ पर है और मंदिर बहुत ही सुंदर और सुशील अच्छे से बनाया गया है। आइए देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं हवन कुंड जो बनाया गया है, ये पहले नहीं था यहाँ पर, इसका निर्माण पहले नहीं हुआ था, एक साल पहले की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हवन कुंड जो बनाया गया है इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, देख सकते हैं माँ लिखा हुआ है इस पर और हवन कुंड की जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है। आते ही मतलब आपको लगेगा कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भजन कीर्तन के लिए स्थान दिया गया है, अगर मंदिर परिसर में कभी भजन कीर्तन का यहाँ पर बंदोबस्त होता है तो यहाँ पर हो सकता है। और ये देख सकते हैं हवन कुंड किस स्तर से ये निर्माण किया गया है, कहाँ से कलाकार आए होंगे, दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, इस मंदिर का जो कलाकारी है, इस मंदिर का जो बनावट है वो देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर नारियल का पेड़
चारों तरफ गार्डन जैसा जो गार्डन नुमा जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के वातावरण के लिए बनाया गया, क्योंकि लोग अपने जीवन में थके हारे रहते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। अगर इस स्थान पर आते हैं तो उन्हें एक अच्छा सुविधा मिले, उन्हें एक अच्छा मतलब माँ के शरण में मतलब उन्हें माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए बहुत ही भव्य निर्माण किया गया है इस मंदिर का, देख सकते हैं। सबसे बड़ी एक बात बता दें कि ये